हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल अली एंड साइको व्लॉग। कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से ही होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक है। वैसे कल हमारे इंडिया में बकरी ईद है, तो हमारी फैमिली और अली एंड साइको व्लॉग की तरफ से आप सभी को बकरी ईद मुबारक। तो अभी हम आ गए हैं देवनाथ मतलब करला गाँव के ताजमहल के धक्के पे, जहाँ बकरा मंडी लगी है। वैसे तो ईद के एक दिन पहले ऐसा होता था कि सब बकरे घूमने ले जाते थे, लेकिन अभी बारिश की वजह से यहाँ एक ही जगह पे सब करला गांव के बकरे को जमा किए। और आप देख सकते हो कि सब अपना अपना बकरा लेके आए हैं करला गांव के देवनाथ बकरा मंडी में, और सब अपने अपने बकरे का टैलेंट दिखा रहे हैं। और ये रहा हमारे नबील भाई का बकरा, वैसे तो उसने खुद से पाला हुआ है घर में, और वैसे तो माशाल्लाह तो है ही। जितने ज़्यादा हमको खुशी नहीं होती है बकरा आने पर, उससे ज़्यादा छोटे बच्चे को खुशी हो जाती है। और आप देख सकते हो कि यहाँ सभी अपने अपने बकरे का टैलेंट दिखा रहे हैं। तो ये भाव जो कुना तो बकर सेफ तो आई गए, सेफ तो की सेफ तो मम्मी जो है तुम्हारे हो गए। हाँ माशाल्लाह है, बंदर मारते हैं। और ये रहे हमारे घर के बच्चे अब्दुल्ला और नमीरे, बराबर धराए। ए जुड़वा हो ना तो वो कर खैली ज्यादा है, कोटा है गए कश्मीरी वट्टे। हजरत इब्राहिम ने छुरी चला दी थी, रोकी कोई नहीं, छुरी चला दी और जब बुरी तरह सिबा हो गया तो आंखें खोली तो आपने देखा कि नीचे दुम्बा सिबा हुआ पड़ा है और जनाबे इस्माइल दूर खड़े मुस्कुरा रहे हैं। तो हजरत इब्राहिम की जुबान से निकला अल्लाह हु अकबर, अल्लाह हु अकबर। आपकी बात सुन के जनाबे इस्माइल भी पुकारे अल्लाह हु अकबर, अल्लाह हु अकबर। ये लफ्ज सुने तो हजरत जिब्रील बोलने कहने लगे अदनान योग ना जोगो कर पाले ले गए माशाल्लाह है बंदा, सेम तुझा सब को यहाँ शेरू है गए गए जबल धर जगा तला दीवा तज किता बुकराला। और अभी मैं आपको करला देवनाथ मंडी का सबसे महंगा और बड़ा बकरा दिखाना चाहता हूँ, वो शायद 2 लाख का होगा। आप देख सकते हो ये सबसे बड़ा और महंगा बकरा, कती लाख का जो है, 2 लाख का जो है, समझी गए पाललेलो है गए। एंग्री बड़ा है अदनान। सो गाइस, अभी मैं आ गया हूँ मिर्कर वड़ा, क्योंकि अम्मा ने भी हमारे बाबा के याद में बकरा लाए, और बाबा ने जाने से पहले अम्मा को बोले थे कि मैं जाने के बाद भी बकरा लाओ, तो उसी के याद में अम्मा ने बकरा लाए। तो अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये है बकरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वैसे तो बकरा माशाल्लाह है, उसको क्या नाम रखे इसका? बाबा, लेकिन बाबा की तरह ही माशाल्लाह है। देखो क्या खिला रही है उसको, ये देखो ना। हाँ खिलाओ खिलाओ, वैसे तो उसका आज का लास्ट दिन भी है। और गाइस ये देखो मेहंदी मैंने निकाली हूँ, प्लीज कमेंट में बताना कैसी लग रही है। देखो उसको मेहंदी भी पसंद आई है। हाँ, और ये मेहंदी निकाली है मेरी बहन ने सानिया ने, मामू की लड़की है। अगर किसी को निकालनी होगी तो मुझे डीएम करो, मैं उसको बोल दूंगी और मैं उसकी आईडी मेंशन कर दूंगी नीचे, तो आप जाके उसको डीएम करो। माशाल्लाह हाँ, बहुत अच्छी निकालती है। हाँ माशाल्लाह होते है, और बकरे को भी बहुत पसंद आई है। देखो तो तुम्हारे पीछे ही खड़ा है बराबर, और ब्राइडल भी हो मेहंदी निकाल। मेरे को समझ में नहीं आ रहा मेहंदी उसको पसंद है या तुम पसंद हो उसको। तो गाइस फाइनली वो दिन आ गया और आज है बकरी। तो आप सभी को हमारी फैमिली और अली एंड साइको व्लॉग की तरफ से आप सभी को बकरी ईद मुबारक, और मेरी तरफ से भी आप सभी को बकरी ईद मुबारक।
वैसे फजर की नमाज तो हो गई है और अभी है 7 बजे की नमाज है ना, तो शाम शिरकुरमा हुआ कि नहीं? हाँ हो गया। तो अभी नमाज के बाद ही खाने का उसका मजा है। और वैसे भी आज बाबा की भी वो सत्के का बकरा काटने वाले अभी 8 बजे नमाज के बाद है ना। वो क्यों भाई हो वो मत पागल। सो गाइस अभी तो नमाज का भी वर्क हो चुका है, तो देखते आगे क्या क्या फंक्शन होने वाले आज के दिन, तो यही आज के व्लॉग में दिखाने वाला हूँ आपको, तो प्लीज स्टे ऑन। ओ तामड़ा ईद मुबारक। और ये भाई हमारे नवीद भाई के बकरे जिन्होंने अपनी मॉम और डैड की कुर्बानी रखी है, और नवीद भाई के बच्चे का भी हकीका है जिसका नाम है अहमद। सो गाइस फाइनली हम आ गए सब नमाज पढ़ के, और मैं अपने दोस्त से भी मैं मिल लिया हूँ, तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने घर। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। शिरकुरमा हुआ कि नहीं? बहुत भूख लगी है, पहले दो। और मम्मी किधर है? पानी भर रही है। पहले से ही रेडी रखे थे क्या शिरकुरमा? लाओ लाओ जल्दी लाओ, एक तो पहले से ही भूख बहुत भूख लगी है गाइस। एक नंबर शिवकुर्मा गाइस, मम्मी ने बनाई है। हाँ वैसे तो हमारी मम्मी बहुत अच्छा शिवकुर्मा बनाती है, और वैसे तो साल में एक ही बार बनता है ना। हाँ दो बार, एक रमजान ईद को और एक बकरी ईद को, गाई की दी। तो शिवकुर्मा तो मम्मी ने बनाई थी, तो तुमको ही दी गाय को। हाँ अरे पागल, लेकिन तुमको ही दी गाय को, अभी तुम्हारी शादी हो गई है, पहले बच्चे थे तब और बात की है ना गाइस। गाय की बच्ची, लेकिन गाय की भी गुस्सा हो गई क्या? आओ आओ इधर आओ इधर आओ, क्या छोटी बच्ची की तरह गुस्सा करती हो? हाँ ये लो तुम्हारी दी नहीं है। लो लो। अभी क्या मेरे को क्या? हाँ यहाँ तो कुर्बानी की तैयारी चालू है, और यहाँ 8:30 का टाइम दिया गया हुआ है, और अभी तो बस 5 मिनट बचे, और आप देख सकते हो कि हमारे नबी भाई फुल तैयारी कर रहे हैं, और ये हमारे हाफिज भाई जो शरबत बांट रहे हैं, और वो राम मोहम्मद, और ये हमारे हज्जू चाचा जिनकी आज कुर्बानी है, और वो अपना बकरा लेके बहुत इमोशनल हो गए हैं, और ये हमारे जिगवी दोस्त। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह Allah, 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 All
अल्लाह फाइनली कुर्बानी हो चुकी है। और आप देख सकते हो कि हमारे नवीद भाई कितने इमोशनल हो गए हैं। अब ये रहा मोहम्मद। अरे मोहम्मद, मोहसिन पप्पा कहाँ आए? सऊदी ला आए? ईद मुबारक बोल। और ये हमारे दो फुप्पा। और यहाँ बकरे को साफ करके कट कर रहे, क्योंकि अल्लाह का फरमान है कि एक हिस्सा गरीबों को, एक हिस्सा रिश्तेदारों को और एक हिस्सा घर में दिया जाए। अल्लाह ताला सबकी कुर्बानी और हकीका कबूल फरमाए, और जिनकी नहीं हुई है उनको अल्लाह ताला हिदायत दे। आमीन सुम्मा। वैसे तो हमारे अम्मा बाबा के इधर भी ये क्या था, हाँ सत्ती का बकरा लाए थे, तो उधर भी हमको मिलने जाना है। तो अभी हम जा रहे हैं मिर्कावाड़ा, तो प्लीज स्टे ऑन। हम मिर्कावाड़ा पहुँचने से पहले ही हमारे बाबा के सत्ती का नाम का बकरा कुर्बान कर चुके थे। और आप देख सकते हो कि यहाँ कितने गरीब लोग सत्ती की नियाज लेने को आए। और सत्ती की नियाज ऐसी होती है कि एक भी हिस्सा घर में या रिश्तेदारों में नहीं बांटा जाता है, पूरा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ गरीबों में ही बांटा जाता है। अब आप देख सकते हो कि मेरी वाइफ कभी मटन में हाथ ना डालने वाली है और ना कभी बना के मेरे को खिलाने वाली। आज बाबा के सदके की नियाज सब गरीबों में बांट रही है, माशाल्लाह। अब ये हमारी अम्मा। सो गाइस, हम खाना खा के सो गए थे और अभी आँख खुल गई हमारी, तो हम आ गए थोड़ा बाहर घूमने। वैसे तो मटन है ना थोड़ा कम खाने का। हाँ वैसे तो मैंने पेट भर के मटन खाया था। हाँ तुम तो खाती नहीं हो, और मैं खाता हूँ उसमें भी ये नाम रख रही है। वैसे तो आपको पता ही होगा गाइस कि मटन खाने के बाद नींद चढ़ जाती है, तो उसी में मैं सो गया खाना खा के। इतना और... उठा के भी उठे नहीं, इतना मटन खाए। हाँ तुमने ही खिलाई मेरे को ज्यादा। हाँ क्या, तो इसने इसको मैंने चिकन पार्सल लाया था, चिकन बिरयानी। इतना झूठ बोल रहे। अरे नहीं गाइस सच में इसके नहीं, नहीं, बोले। So guys, इसको चिकन बहुत चिकन बिरयानी नहीं लाए थे, मैंने ना मटन ही खाई थी, और मटन का सालन था और तरकारी थी, तो मैं वो मिक्स करके खा रही थी। लेकिन मैंने लेकिन इसको मैंने चिकन बिरयानी लाया था, लेकिन इसने खाई नहीं गाइस। नहीं लाए, तुम्हारी गलती है। नहीं लाए थे, झूठ मत बोलो, नहीं लाए थे। झूठ तुम बोल रही हो, तुम बोल रहे हो, बोल रहे हो। सो गाइस, वैसे तो आज ईद का दिन है, और तो आज का दिन सुबह से तो बहुत अच्छा गया। और वैसे तो मैं सुबह में 6 बजे उठ गया था। वो 6 बजे उठ गया था, 6 बजे ही तो उठा था। फिर कितने बजे बोलो? उठा उठा के 7 बज गए थे, 10-15 मिनट था ना आज नमाज को, तभी तो उठ के चले गए। हाँ लेकिन उठा ना सुबह में ही उठा ना मैं, लेकिन 6 बजे ही उठने की कोशिश किया था मैं। जिनकी आज कुर्बानी हो गई और हकीका भी हो गया, अल्लाह ताला उनको कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और जिनकी नहीं हुई है उनको भी अल्लाह ताला हिदायत दे। हाँ आमीन। जैसे ये हमारी ईद की फर्स्ट वीडियो थी, और प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना ये वीडियो कैसी लगी आपको, और आपको वीडियोस कैसे चाहिए वो भी कमेंट्स में जरूर बताना, तो हम वैसे वीडियोस आपके लिए बनाए देंगे। और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देर सारा प्यार दीजिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।